नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि वह समय है जब दोनों ऋतुओं का मिलन होता है। मुख्य रूप से हम दो नवरात्रों को जानते हैं, चैत्र नवरात्र और अश्विन नवरात्र। चैत्र नवरात्र गर्मियों के मौसम की शुरुआत करता है और प्रकृति एक प्रमुख जलवायु परिवर्तन से गुजरती है। साथ ही दोस्तों, यह लोकप्रिय धारणा है कि चैत्र नवरात्र के दौरान उपवास का पालन करने से शरीर प्रकृति के बदलाव के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, इन 9 दिनों में माँ भगवती के सभी 9 रूपों की पूजा की जाती है। यह उत्तरी भारत में बहुत लोकप्रिय है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन की ऊर्जा माँ दुर्गा को समर्पित है। अगले 3 दिन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित है और आखिरी के 3 दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना सबसे आवश्यक है, जो ब्रह्मांड का प्रतीक है और घर में शुद्धि और खुशहाली लाता है। इसके साथ ही उपवास प्रारंभ होता है और माता की चौकी स्थापित की जाती है। दोस्तों, यह जरूरी है कि आप नवरात्रि पूजा शुरू करने से पहले देसी घी की अखंड जोत जलाएं। यह आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा कम करता है और मानसिक संतोष बढ़ाता है। साथ ही साथ जौ के ज्वारे बोए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जौ इस सृष्टि की सबसे पहली फसल थी। इसे हवन में भी चढ़ाया जाता है। बसंत ऋतु की सबसे पहली फसल भी जौ ही है। नवरात्रि के प्रत्येक दिन एक देवी का प्रतिनिधित्व किया जाता है। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती शांति, समृद्धि और धन का प्रतीक है और नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान दुर्गा सप्तशती के पाठ करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। दोस्तों, आखिरी में माता को हलवा, पूरी और काले चने का भोग लगाया जाता है और फिर कन्याएं, जिन्हें माता का प्रतिनिधि माना गया है, उनका पूजन करके माता को विदा किया जाता है। दोस्तों, आगे भी हम आपको 9 दिन के नवरात्रों की पूजन विधि की जानकारी इसी प्रकार देते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी। दोस्तों।